नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर जय बाबा में। आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 12 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही चमत्कारी रुद्राक्ष माना गया है और इसके अनेकों लाभ पाए गए हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। संतान सुख, शिक्षा और धन की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभकारी माना गया है और इसे कोई भी धारण कर सकता है। रुद्राक्ष धारण करने के नियम होते हैं। यदि आप नियम के साथ रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं और नियम का पालन कर रहे हैं तो किस्मत बदल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ज्योतिष से जुड़ी कोई भी जानकारी यदि आप चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना है, कुंडली मिलान करवाना है या किसी प्रकार का रत्न रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे प्रतिष्ठान के माध्यम से भारत के हर छोटे बड़े शहरों में कोरियर के माध्यम से आपका रत्न और रुद्राक्ष पहुंच जाएगा। अंगूठी या लॉकेट जिस पैटर्न में आप चाहेंगे रत्न बनाए जाएंगे, रुद्राक्ष को विधि विधान से अभिमंत्रित करके आपके पास भेजा जाएगा और सारी चीज़ें लैब से प्रमाणित होती हैं। तो हमारी चर्चा आपके साथ है 12 मुखी रुद्राक्ष को। तो रुद्राक्ष यदि आप कोई भी पहन रहे हैं तो उसे लाल या पीले धागे में ही पहनिए। पूर्णिमा, अमावस्या या सोमवार को पहनना सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अलग अलग मुखों के रुद्राक्ष भी अलग अलग फायदे देते हैं, लेकिन जो 12 मुखी रुद्राक्ष है इसके एक अद्भुत लाभ है। यदि शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहा है तो 12 मुखी रुद्राक्ष शत्रुओं से आपकी रक्षा करता है। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और तन मन स्वस्थ रहता है। शरीर में एक विशेष शक्ति का संचार बना रहता है। 12 मुखी रुद्राक्ष भगवान सूर्य को समर्पित माना गया है। मस्तिष्क पर सूर्य का प्रभाव होता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति को स्वयं की शक्ति का एहसास होता है। इसके प्रभाव से जातक के व्यक्तित्व में भी सूर्य की तरह ही तेज आता है। कुछ ऐसे जातक हैं जो माणिक नहीं पहन सकते किसी वजह से। उनका सूर्य कमजोर है लेकिन माणिक नहीं पहना जा सकता। उनकी कुंडली के हिसाब से मकर, कुंभ, लग्नों के हिसाब से कुछ ऐसा निर्धारित हो रहा है कि उनको माणिक नहीं पहनाया जाता और सूर्य को बलि करना जरूरी है। तो 12 मुखी रुद्राक्ष एक सबसे बढ़िया विकल्प है। सोने में मिढ़वा करके आप 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। माणिक के जितना ही आपको प्रभाव देगा बल्कि कुछ ज्यादा ही दे देगा। और 12 मुखी रुद्राक्ष को शिव का अवतार माना जाता है और इस पर सूर्य का आधिपत्य है और सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। इस रुद्राक्ष पर 12 प्राकृतिक रेखाएं हैं और जब इसको आप स्कैन करवाएंगे तो इसके अंदर 12 बीज होने चाहिए, तब ये असली रुद्राक्ष हुआ। बाहर की रेखाओं से रुद्राक्ष को नहीं पहचाना जाता है, इसका स्कैनिंग करवाना जरूरी होता है और स्कैनिंग करवाने के बाद इसके अंदर कितने बीज हैं उसी के हिसाब से इसका मुख निर्धारित होता है। इस 12 मुखी के 1 मनके को धारण करने से व्यापार और नौकरी संबंधित समस्याओं से निजात मिल सकती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आपको जल्द से जल्द 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। कुछ ऐसे जातक होते हैं जिनकी मकर लग्न होती है लेकिन सूर्य उच्च के हैं, ले चतुर्थ भाव में है, तो ऐसे लोगों को माणिक न पहना करके 12 मुखी रुद्राक्ष पहना देना चाहिए, तुरंत लाभ चालू हो जाएगा। और 12 मुखी रुद्राक्ष को द्वादशी आदित्य के रूप में भी जाना जाता है।
इस मनके में सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का भी आशीर्वाद प्राप्त माना जाता है। अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए यह एक बहुत अच्छा रुद्राक्ष होता है। जिनको कार्यस्थल पर मान सम्मान नहीं मिलता उनके लिए यह चमत्कारी काम करता है। इसे पहनने वाले को 108 गाय के दान के बराबर शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोग शर्मीले डरपोक या डरे हुए होते हैं इस मनके को पहनने पे आप निडर हो जाते हैं और आप किसी तरह की परेशानी से बाहर निकल जाते हैं। कुछ लोग बहुत शर्मीले स्वभाव के होते हैं और शर्म और लाज में या किसी वजह से डर भय में वो अपना बहुत कुछ नुकसान कर देते हैं। हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ है और ग्रहों की चाल से भी प्रभावित है। कुछ लोग अपने पिछले जन्म के कर्मों का भुगतान वर्तमान में करते हैं, जिसके कारण उन्हें वर्तमान जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी बहुत कठिनाई और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बारहमुखी रुद्राक्ष पहनने से आपको पिछले जन्म के पापों से भी छुटकारा मिल सकता है। ग्रह अपनी चाल बदलते रहते हैं, वही एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते रहते हैं। इस पारगमन के दौरान वे 12 राशियों को प्रभावित करते हैं। किसी पर इसका अच्छा असर पड़ता है तो किसी पर इसका बुरा असर पड़ता है। एक आम इंसान ग्रहों की स्थिति और जीवन पर उनके प्रभाव का पता नहीं लगा सकता। इसके लिए आपको एक अनुभवी ज्योतिषी को अपनी कुंडली का अध्ययन करा करके और इसके बाद आपको एक रुद्राक्ष 12 मुखी जरूर धारण करना चाहिए। ऐसे 12 मुखी रुद्राक्ष कोई भी धारण कर ले, कोई परेशानी नहीं होगी, सिर्फ लाभ ही मिलेगा। और इसे धारण करने से मन से संदेह को दूर करने और जीवन में स्पष्टता लाने में मदद मिल जाती है। यह दिशात्मक मुद्दों वाले लोगों को ध्यान केंद्रित करने और सही रास्ता चुनने में मदद करता है। पहनने वाले को निरोगी बनाने में मदद करता है, धन और खुशी प्रदान करता है, शारीरिक पीड़ा मानसिक पीड़ा से बचाता है, नेतृत्व के गुणों का विकास करता है, व्यक्ति की आंतरिक आत्मा को मजबूत करता है, यह व्यक्ति के भीतर से खुश और तनाव मुक्त करता है। खास करके जिन्हें कुछ खास बीमारी हो, जैसे आंख की समस्या हो, जिन्हें यूरिन से संबंधित परेशानी हो, श्वसन रोगों में इलाज करके कामयाबी नहीं मिल रही है, सांस की समस्या हो, और जिनको दिल से संबंधित कोई बीमारी हो, हार्ट वगैरह का प्रॉब्लम हो, क्रोध बहुत है, चिंता बहुत करते हैं, उनको जरूर 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सभी मोर्चों पर प्रसिद्धि और यश मान सम्मान आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके इतने लाभ हैं जिसे गिनाया नहीं जा सकता है, लेकिन इसे धारण करने के लिए रविवार या सोमवार का दिन सबसे शुभ माना गया है। साफ सुथरे कपड़े पहने पूजा स्थल को पर आप बैठ करके गंगा जल से इसे शुद्ध करें और कम से कम एक माला गायत्री मंत्र का जाप आप जरूर करें इस रुद्राक्ष को धारण करने के लिए। और इसके बाद आप ओम नमः शिवाय का जाप करें और फिर भगवान सूर्य का श्री सूर्याय नमः या ओम ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और इसे आप लाल धागे या पीले धागे में पहने, चांदी में या सोने में इसे जड़वा कर धारण करें तो बहुत बढ़िया आपको काम करेगा। और इसके अलावा 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपकी शरीर पवित्र हो जाती है। इसके अनेकों लाभ हैं। ये भगवान शिव के का प्रतीक होता है। मन की शांति, स्वस्थ शरीर, सुखी जीवन मिलता है। और 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से धारक को वीरता, ऊर्जा, समझदारी, स्वाधीनता और धैर्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। रुद्राक्ष बहुत ही शक्तिशाली होता है और अपने धारक को निर्भीक, स्थिर, आत्मविश्वासी बनाता है। और धन की वृद्धि, रोग निवारण, संतान की प्राप्ति में भी यह सहायक होता है। और खास करके
जिनकी कुंडली में शनि राहु केतु का दोष हो उन्हें यह रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। शनि और राहु केतु का दोष जिसकी भी कुंडली में रहेगा लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव बना रहेगा, कभी भी सुकून शांति नहीं मिल सकती। लेकिन यदि आप 12 मुखी रुद्राक्ष विधि विधान और विश्वास के साथ धारण कर रहे हैं तो आपके जीवन में एक काया पलट जरूर होगा। और दोस्तों, इसे थोड़ा सा इसमें सावधानी जरूर रखना चाहिए, जैसे यह रुद्राक्ष जीवन के मुश्किल समय में समस्याओं से निजात दिलाने में मददगार होगा और इसे आप जितना पवित्र रखेंगे उतना ये आपको लाभ पहुंचाएगा। इसे पहन करके किसी की मैयत में न जाएं, शमशान न जाएं। सोने के समय रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए क्योंकि ये बहुत पवित्र चीज है, सोते समय आप इसे उतार दीजिए। यदि दिन में भी किसी वजह से आपको नींद आ गई, आप सोना चाह रहे हैं, तो रुद्राक्ष को उतार दीजिए। नींद से उठने के बाद आप विधि विधान से हाथ मुंह धो करके पवित्र हो करके और फिर आप इसे धारण कर लीजिए। और दोस्तों, इसे आप इसकी तारीफ हम जितनी भी करेंगे उतना कम है, लेकिन जब आप धारण करेंगे तो आपके जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का निवारण जब ये चालू करेगा तब आप बोलेंगे कि 12 मुखी रुद्राक्ष होता क्या है। और कभी भी इसे अंगूठी बना करके नहीं धारण करना चाहिए, आप हमेशा इसे गले में लॉकेट बनाकर ही पहनिए ताकि इसकी पवित्रता सदैव बनी रहनी चाहिए। और आप इसे दूसरी चीजों से दूर रखें, मतलब इसे सदैव पवित्र रखें। आप जैसे इसे धारण करके मांस मदिरा का सेवन न करें तब ये फल देगा, अन्यथा ये निष्फल होगा और निष्फल रुद्राक्ष नुकसान भी दे सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। वीडियो को एक लाइक एक कमेंट जरूर करना। आपको किसी भी प्रकार का रत्न रुद्राक्ष चाहिए तो आप हमारे प्रतिष्ठान से ले सकते हैं, लैब से प्रमाणित गारंटी के साथ भारत के हर छोटे बड़े शहर में कोरियर सेवा, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा आपको उपलब्ध मिलेगी। धन्यवाद।